पार्टी तो है नहीं, कौन बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, ये देखना मेरा काम नहीं है, सोचना मेरा काम नहीं है। हमें जो दायित्व तो सौंपा गया है, जनता ने जो दायित्व सौंपा है, पार्टी ने जो दायित्व तो सौंपा है, मैं उसको करता हूँ। बाद बाकी कौन होगा नहीं होगा इसकी चिंता मैं क्यों करूँ। तो विपक्ष की कुर्सियाँ खाली थी, इस पर भी लगातार आपसे सवाल किए जा रहे हैं। आपने गिना कितने लोग थे? आप पत्रकारिता करती हैं, आपको देखना चाहिए सिर्फ विपक्ष पर ही हमला क्यों हो रही है। पक्ष के कितने विधायक थे, ये प्रश्न मैं उल्टा पूछ रहा हूँ कि विपक्ष के कुछ लोग ही थे, नाम गिना रहे हो। मैं था, लंबोदर जी, एक लंबोदर महतो जी थे, एक सरजू राय थे, ठीक है ना। सत्ता पक्ष के कितने विधायक थे, क्या सत्ता पक्ष के सारे मंत्री थे? मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक ये कोई नहीं सोचेगा कि ये विधानसभा राज्य का सर्वोच्च पंचायत है जहाँ के लिए जनता ने चुना है, यह लोकतंत्र का मंदिर है, तो यहाँ पर उसके स्थापना दिवस पर सबको उपस्थित होना ही चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। अरे भैया पक्ष और विपक्ष क्या है, ये कोई फ्लोर पर डिबेट थोड़े हो रहा है कि आप कोई बहिष्कार कर रहा है, कोई है सदन के अंदर है, कोई जाकर के हॉल में बैठ के चाय की चुस्कियाँ ले रहा है, ये तो उसका स्थापना दिवस है। जब स्थापना दिवस है तो इसमें पक्ष और विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है, ये विधानसभा सबका है। देखने वाला कौन होता, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। मैं आज जो देख रहा हूँ, मैं आज की चर्चा करना बेहतर समझता हूँ। सवाल ये है कि जनता ने जो दायित्व तो आपको सौंपा है, उस दायित्व का निर्वहन हर व्यक्ति को ईमानदारी से करना चाहिए। विधानसभा के लिए चुना है तो विधानसभा के अंदर अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए, लेकिन कई बार बहुत से विधायक हैं वो चाह करके भी अपनी भूमिका सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे सो मैनी रीजन्स बिहाइंड इट, इसके पीछे कई कारण हैं, तो उस कारणों में अभी मैं बहस में नहीं जाना चाहता। बस इतना ही जानता हूँ कि जनता ने आपको जिसके लिए चुना है वहाँ पर अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से, बेहतर ढंग से, मर्यादित ढंग से रखिए, बस यही है। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या फिर करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपके हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रीजेंसी। 26 एसी एंड नॉन एसी रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टो फॉर डिलीशियस फूड। होटल हर्ष रीजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रीजेंसी, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट एंड रेस्टोरेंट, सुवर्ण रेखा पुल, हटिया, रांची।